फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एशियन रसोई। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और एकदम यूनिक भी है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे ये हम वीडियो में ही देखेंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो चलिए ये बहुत टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में मैंगो की पुडिंग बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक पका हुआ आम, और आम अच्छा मीठा है। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे। कटे हुए क्यूब्स को हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसी में ही हम एक चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे, एक टेबल स्पून जितनी चीनी डाल देंगे और एक टेबल स्पून ही मैंने मिल्क पाउडर लिया है। इन सब चीजों को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सब चीजें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं और अब इसमें कोई भी आम का टुकड़ा नहीं है। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। साथ ही मैंने लिया है ये 300 ग्राम दूध। दूध को पैन में डाल देंगे और उबलने के लिए रख देंगे। आम की ये पुडिंग हम साबूदाने के साथ बनाएंगे और ये बारीक वाला साबूदाना है, यानी चीनी वाला साबूदाना है जो हम नॉर्मली व्रतों में यूज करते हैं। और इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और साबूदाना फूल चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून भर के साबूदाना लिया था जो फूल कर अब जस्ट डबल हो चुका है। जैसे ही दूध हल्का सा गुनगुना होता है हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इससे हमारी पुडिंग ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूध में उबाल आ चुका है। बस इसी समय हमने जो साबूदाना छान के रखा था ये भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अब लो फ्लेम पर ही हम दूध को अच्छे से उबलने देंगे जब तक हमारा साबूदाना अच्छे से पक नहीं जाता। 5 से 7 मिनट में ही लगातार उबलते हुए आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से पक गया है और वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और दूध भी हमारा काफी थिक हो चुका है। इसी समय हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें 4 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल सकते हैं, थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी डालने के बाद हाई फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे। और 1 मिनट अच्छी तरह उबलने के बाद में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी पुडिंग को पूरी तरह से कूल डाउन होने देंगे। अब ये साबूदाना जो हमने दूध में उबाल के रखा था ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आम जो मिक्सी में हमने पीस के रखे थे वो भी पूरी तरीके से ठंडे हैं। मैंने 20-25 काजू जिसे बारीक काट लिया है, इसी तरीके से 10-15 पिस्ते वो भी बारीक काट लिए हैं। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा साबूदाना डालेंगे और थोड़ा सा मैंगो पल्प डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, सेम तरीके से एक और लेयर लगाएंगे। फिर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी मैंगो पुडिंग बनकर तैयार है। आप इसे फ्रीज में रख दीजिए और 2 घंटे बाद सर्व कीजिए। ये ठंडी ठंडी पुडिंग खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। ये हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम इंटरेस्टिंग सी साबूदाना और मैंगो की पुडिंग बनकर तैयार है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो पक्का आप इसे बार बार बनाएंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फ्रेंड में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए। थैंक यू।